हेलो फ्रेंड्स, गोभी एक ऐसी सब्जी है जो हर घरों में बनाई जाती है। लंच हो या चाहे डिनर हो, किसी भी समय आप गोभी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक ही सब्जी को रोज़ रोज़ बनाना और सबको पसंद नहीं आता है, तो आप एक ही सब्जी को अलग अलग तरीके से बना के अगर सबको खिलाते हैं तो कभी कोई बोर भी नहीं होगा और सबको पसंद भी बहुत आएगा। और जब बनाना अगर आसान हो तो और भी अच्छा लगता है बनाने में। तो मैं अधिकतर अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से, चाहे वो रेसिपी हुआ या DIY हुआ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपको गोभी की 3 तरह की सब्जियाँ बनाना बताऊँगी जो बहुत ही आसान है बनाना। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, कि मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके से भी बनाया जाए और जो आपके किचन में मतलब मौजूद हो वो चीज़ें, उससे आप बहुत ही अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 3 तरह की कौन सी सब्जी है। अगर आपको गोभी की और भी वैरायटियाँ सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं कोशिश करूँगी ज़रूर आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरी पहली सब्जी है गोभी फ्राई विदआउट मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 4-5 करीब कटी हुई हरी मिर्च, 1½ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े साइज के प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 500 ग्राम करीब गोभी लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और वॉश कर लिया है। अब मैंने गैस चूल्हे पर रख दिया है कढ़ाई, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। जब ऑयल हीट हो गया तो मैं इसमें डाल दी मिर्च। मिर्च को हमें 1 मिनट तक भुनना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज। तो बस इसे हमें डाल के 2 मिनट तक केवल भुनना है। फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी डाल के मैं केवल 1 मिनट तक भूनूंगी। तो अदरक लहसुन को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया गोभी। और गोभी को डाल के मैंने अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर दिया। तो हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है। जब हम सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनते हैं तो उसकी पौष्टिकता मेंटेन रहती है। तो ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है क्योंकि इसमें कोई मसाला भी नहीं है और ज़्यादा हमें भूनना भी नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला दूंगी और इसके बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी। तो करीब 2 से 3 मिनट हमें छोड़ देना है। फिर मैंने ढक्कन हटाया तो इसमें अभी मेरी गोभी सॉफ्ट नहीं हुई है, तो केवल मैं इसे अच्छे से चला दे रही हूँ और फिर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर ढक दूंगी। और जब 3 मिनट करीब हो गए तो देखिए हमारी गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और गोभी ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो इसे अब मैं ढकूंगी नहीं और इसे खोल कर ही, ढक्कन खोल के ही मैं इसे सब्जियों को भूनूंगी। और स्पैचुला से आप ऐसे गोभी को हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए ऐसे चलाएंगे तो जो गोभी में है अदरक लहसुन और प्याज का स्वाद मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा सब्जी खाने में। तो 2 से 3 बार ऐसे हमें रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और 3-4 मिनट तक करीब हमें सब्जियों को भून लेना है। तो देखिए ये सब्जी हमारा करीब भुन गया है। तो बिल्कुल रेडी है हमारा सब्जी बनके। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
तो इस सब्जी को आप रोटी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मेरा सेकंड सब्जी है आलू गोभी मटर की सब्जी। तो इसके लिए मैंने प्याज लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आलू गोभी को बड़े बड़े साइजों में मैंने काटा है और मटर लिया है। अब मैंने गैस चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दिया, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल जब हीट हो गया तो मैंने इसमें हींग और तेज पत्ता डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और इसके साथ में मैं डाल दूंगी आलू गोभी और मटर। तो हमें प्याज के साथ में ही आलू गोभी मटर को भी भून लेना है अलग से, मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो अगर हम अलग से आलू गोभी और प्याज को फ्राई करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह मैं साथ में सारी चीज़ें डाल देती हूँ और इन्हें भूनती हूँ तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है और सब्जियाँ भी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जब तक ये सब्जियाँ भून रही हैं मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मैं एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और मसालों को अच्छे से घोल लिया है, और मैं इधर थोड़े थोड़े देर में अपने गोभी आलू मटर को भी चला रही हूँ ताकि एक तरफ से जल ना जाए। तो बस इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, तो करीब 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और प्याज अगर हम अच्छे से डालते हैं तो हमें मसाला ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब्ज़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो देखिए हमारी सब्ज़ी करीब भुन गई है। तो अब मैं इसे थोड़ा देर ढक दूँगी और करीब 2 मिनट ढकने के बाद मैंने ढक्कन हटाया और फिर सब्जियाँ मैंने चला दी है। तो देखिए ये हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले जो मैंने घोल के रखे थे और इन्हें सब्जियों के साथ में हमें भुनना है। तो सब्जियों के साथ में हमारे मसाले भी भुन जाएंगे। तो करीब 2 मिनट तक ही हम भुनेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। अब मैं 1/2 टेबल स्पून करीब गरम मसाला डाल दे रही हूँ। तो मैं जब गरम मसाला डालती हूँ तो मैं ज़्यादा देर नहीं भूनती हूँ सब्जियों को। अब मेरा सारा सब्जी और मसाला सब भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, तो मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ। तो अगर हम सब्जियों में गरम करके पानी डालते हैं ना तो हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो सेम टाइम पे होता है, नहीं तो अगर हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो उसमें कुकिंग प्रोसेस जो वहीं पे ज़ीरो हो जाता है, फिर से हमें कुक करने में टाइम लगता है। तो इसलिए गरम पानी डालने से हमारा सब्जी भी स्वादिष्ट बनता है और जल्दी कुक भी हो जाता है। तो देखिए हमारा सब्जी बन के एकदम रेडी हो गया, ग्रेवी वाली आलू मटर गोभी की सब्जी बन के रेडी। अब मेरी तीसरी सब्जी है आलू गोभी टमाटर की सब्जी। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 4 करीब हरी मिर्च लिया है जिसे मैंने काट लिया है। अब मैंने गैस चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ऑयल जब हीट हो गया तो मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी और इसमें मैंने डाल दिया कटे हुए प्याज। तो इन्हें अच्छे से मैं चलाऊंगी और इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने इसे पेस्ट नहीं है, इसे मैंने दरदरा कूटा हुआ है, और प्याज के साथ हमें इसे भून लेना है। तो प्याज अच्छे से जब इसमें गुलाबी कलर आ जाएगा तब अब मैं इसमें डालूंगी आलू गोभी। तो देखिए मेरा प्याज अच्छे से लाल हो गया है
अब मैं इसमें गोभी आलू को डाल रही हूँ, जिसे मैंने बड़े बड़े साइज में काटा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम सब्जियों को काटने में भी अंतर करते हैं तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो कभी आप छोटे पीस में काट के बनाइए, कभी बड़े पीस में काट के बनाइए, तो सब्जियां बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो बस हमें प्याज के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार इसमें हमें नमक डाल देना है। तो बस इसमें भी कुछ भी मसाला मैं नहीं डाली हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है सब्जी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इसको हम हल्दी और नमक को मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। तो हर 2 से 3 मिनट जब हो जाए ना, तो फिर हमें ढक्कन हटा के सब्जियों को अच्छे से चला देना है। और जब तक हमारा सब्जी सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक हमें इन्हें पकाना है। तो मैं अभी मेरा सब्जी सॉफ्ट नहीं, गला नहीं है, तो मैं इसे फिर ढक दे रही हूँ। और फिर मैंने ढक्कन हटाया और देखिए मेरी सब्जियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जब सब्जियाँ इस तरह एकदम सॉफ्ट हो जाए ना, तब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूँगी। तो 3 करीब टमाटर हैं बड़े साइज़ के, और मैंने इसे रफली चॉप किया है, बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। और इसे मैं गोभी आलू में डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मैं टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी। तो करीब 2 ही मिनट मैं इसे ढक के पकाऊँ। तो 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया और सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई। अब मैंने इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर दिया है और हल्के हाथों से मैं स्पैचुला से खाली सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस मेरा आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनके रेडी। ये सब्जी बिना मसाले का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, दाल चावल के साथ खाइए बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मेरी तीनों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई